बताओ भाइयों बहनों, यहां मैं सरकार बनाने के लिए नहीं आया। धीरज ओझा को एमएलए बनाकर भेज दीजिए, इसको हम बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। बनाएंगे क्या? जोर से बोलिए, अंत तक बनाएंगे क्या? देखिए भाई, इतनी कड़ी धूप में नंगे सर खड़े हैं, सच्चा बताइएगा, धीरज ओझा को बनाएंगे एमएलए पक्का? 2014, 2017 और 2019 में उत्तर प्रदेश की ये महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू ये अच्छे गेंदबाज नहीं है, गेंद डालने वाला अगर फुलटोस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। करेंगे क्या मित्रों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है। जब हम कह रहे थे, इस समाजवादी पार्टी वाले मजाक उड़ा रहे, अखिलेश बाबू आज मैं हिसाब देने भी आया हूं और आपका हिसाब मांगने भी आया। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1,67,00,000 गरीबों को गैस का चूल्हा दिया है। आप भाजपा सरकार बना दो, जिनके पास गैस का चूल्हा आया है उसको होली और दिवाली में 2 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय जनता। माताओं भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाने का काम किया है, जिससे मेरी माताओं बहनों को शर्म महसूस न होगी। अखिलेश भाई आप बता दो, आपकी सरकार रही सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा ने 15 साल राज किया, कभी शौचालय बने थे क्या? जरा जोर से बोलो, बने थे क्या? रानीगंज वालों, ये बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? बड़े बड़े शहरों में आती थी, हम गांव वालों के पास आती थी क्या? योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 22 घंटा से 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया। 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी लगभग 42 लाख गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मैं बताने आया हूं, एक बार फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। अरे सुनो, एक बार फिर से बना दो पूरे उत्तर प्रदेश में, हर गरीब को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माताओं भाइयों बहनों,
2,54,00,000 लोगों को, 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सीधा भेजने का काम देश के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसमें 37,000 करोड़ रुपया भेजा है मित्रों उत्तर प्रदेश। मैं आपको बताता हूं, एक बार फिर से सरकार बना दो, किसी भी किसान को 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, बिजली मुफ्त में। माताओं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया है, जिसके तहत 5 लाख तक का सारा इलाज मोदी जी मुफ्त में कराते हैं मित्रों, अखिलेश और बहन जी ये कभी कर नहीं सकते थे। मुझे बताओ रानीगंज वालों, कितने लोगों ने टीका लिया है, हाथ ऊपर करो, सबने ले लिया ना, दोनों डोज लिए। अरे यार, ये मोदी जी जब टीका वैज्ञानिकों ने ढूंढा, ये अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि टीका मत लियो, ये मोदी का टीका है, आपको तो ना बोल दी, 10 दिन में अंधेरे में वो खुद टीका लगा है। ये तो अच्छा है यूपी वाले उनकी सुनते नहीं है, वरना ये तीसरी लहर में आप लोग सलामत होते क्या? कोरोना हो जाता है नहीं हो जाता है? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मित्रों 15 करोड़ गरीबों को जब कोरोना आ गया, रोजगारी बंद हो गई, 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। साथ में योगी जी ने तेल, दलहन और नमक देने का काम किया है, और गरीबों का चूल्हा चालू रखा है। मैं आपको बताने आया हूं भैया, ये तो माफियाओं की भूमि है। हमारा संगम लाल यहाँ बैठा है, हमेशा कहता है कि यह माफियाओं का त्रास है।